अक्सर हम कई बार पॉर्न वेबसाइट्स खोलते हैं तो उसमें इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं कि हमें लगता है ऑलमोस्ट एज इफ इट्स इलीगल। ये भी सुनने में आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज कई सारे पॉर्न साइट्स बैन कर दिए। कुछ टाइम पहले सुनने में आया कि राजकुंद्रा की अरेस्ट हो गई है रिलेटेड टू अ पॉर्न ऐप केस। ऐसे में सोचना बनता है कि क्या पॉर्न देखना इलीगल है। इंडिया में पॉर्न से रिलेटेड बाय एंड लार्ज दो तीन एक्ट्स हैं, फर्स्ट बीइंग द आईटी एक्ट, सेकेंड बीइंग द आईपीसी एंड थर्ड पॉक्सो। ये तीनों एक्ट्स पॉर्न रिलेटेड एक्टिविटीज को अलग अलग तरह से क्रिमिनलाइज करते हैं, जैसे कि पॉर्न को ट्रांसमिट करना, उसे सेल करना या उसे पब्लिसाइज करना, या किसी इंसान की कंसेंट के बिना उसे रिकॉर्ड करना। इन अलग तरह के क्राइम्स को अलग अलग पनिशमेंट्स दी गई हैं जो कि 2 से 5 साल तक रेंज करती हैं, और कुछ क्राइम्स को नॉन बेलेबल भी किया गया है। तो क्या पॉर्न देखना इलीगल है? नहीं, इंडिया का कोई भी लॉ हमारी प्राइवेसी के इतनी डीप नहीं जाता कि हमारे को उसे पॉर्न को प्राइवेटली वॉच करने से रोके। कितनी बार ये सुनने में आता है कि किसी इंसान का कोई प्राइवेट वीडियो MMS बन गया, लीक हो गया या वायरल हो गया। अगर ऐसा ही कोई वीडियो आपको कोई फॉरवर्ड करे तो क्या आप उसके लिए लायबल हो सकते हैं? देखिए, जब तक तो आपके अंदर कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है और आपको वो किसी ने फॉरवर्ड किया है जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है, तो कुछ गलत नहीं है। बट मॉरली एंड लीगली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे आप आगे फॉरवर्ड ना करें। इस तरह के किसी के प्राइवेट वीडियो को फॉरवर्ड करना न सिर्फ किसी इंसान की प्राइवेसी और पर्सनल इमेज के लिए फेटल हो सकता है, पर आपको भी जेल ले जा सकता है। तो अब आते हैं आजकल के एक और ट्रेंडिंग मुद्दे पर। जब लोग खुद ही इस तरह की न्यूड पिक्चर्स, सेमी न्यूड पिक्चर्स या वीडियोस को किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि ओनली फैंस पर डालते हैं, तब क्या? आप अगर इस तरह के कंटेंट को व्यू करते हैं तो आप पे इस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। जो भी इस तरह की चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है या बना रहा है, उस इंसान के लिए इंडिया में लॉ है विच क्रिमिनलाइजेज इट। तो इंडिया में लोग ओनली फैंस स्टार्स नहीं बन सकते। सो कंक्लूडिंग, इंडिया का कोई भी लॉ आपको एज सच पॉर्नोग्राफिक कंटेंट देखने से रोकता नहीं है, पर उसको बनाना, फिल्म करना, ट्रांसमिट करना इलीगल है। और ये लायबिलिटी आपके ऊपर और बढ़ जाती है जब इस तरह के सब्जेक्ट ऑफ सच पॉर्नोग्राफिक कंटेंट इज चिल्ड्रन, टू द एक्सटेंट दैट इवन कंप्यूटर जनरेटेड पॉर्न से एनिमे व्हेन इट रिजेंबल्स चिल्ड्रन और इज टाइटल्ड एज टीन्स डिस्पाइट द पीपल एक्टिंग इन इट आर अडल्ट्स इज इलीगल। तो पॉर्न देखो बट प्राइवेटली।